यूपी के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे वहाँ की राजनीति और गर्म हो रही है, और ख़ास करके हिंदू मुस्लिम वाले बयान या समाजों को भड़काने वाले बयान नेता हमेशा देते रहे हैं और दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी योगी की तानाशाही कई मामलों में चल रही है। प्रदेश की पुलिस का इस्तेमाल वो खुलकर अपने विरोधियों के लिए कर रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं है। एक पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, और लगता है कि इस ऐलान के साथ ही अमिताभ ठाकुर की संकट की घड़ियां शुरू हो गई। आज यानी कि शनिवार को आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने ये दावा किया कि उन्हें पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। अमिताभ ठाकुर ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें पहले से तय कार्यक्रम के लिए गोरखपुर जाने से रोका गया है और पुलिस ने रेल विहार कॉलोनी गोमती नगर में उनको रोके रखा है। साथ ही अमिताभ ठाकुर ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि योगी जी एक अदने से आदमी से इतना डर, यह डर हमारी जीत है। अमिताभ ठाकुर ने एक वीडियो जारी करा और वीडियो जारी करके कहा कि सुबह अपने एक परिचित के साथ गोरखपुर जाना चाह रहा था। जब मैं उनके आवास पर पहुंचा तो सीओ गोमती नगर और भारी संख्या में पुलिस बल वहां आ गई और कहा कि आप गोरखपुर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, तो मैंने कहा कि फिर तो योगी आदित्यनाथ जी को भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि उन्हें हर किसी से खतरा है, आईएसआई से खतरा है, लेकिन वो जाते हैं और सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, तो मेरे लिए भी किया जाए। सुनिए अमिताभ ठाकुर ने वीडियो जारी करके क्या कहा। जब मैं सुबह अपने साथी के साथ गोरखपुर जाना चाह रहा था, उनके आवास पहुंचा तो सीओ गोमतीनगर और भारी संख्या में पुलिस बल वहां आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि आप गोरखपुर नहीं जा सकते। मैंने पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि आपकी सुरक्षा का खतरा है। मैंने कहा कि यदि सुरक्षा का खतरा का मामला है तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी को कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि उनको हर किसी से खतरा है, आईएसआई से खतरा है, तमाम लोगों से खतरा है, लेकिन वो जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, इसीलिए मेरी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, न कि खतरे के नाम पर रोका जाए। इसके बाद भी मुझे नहीं जाने दिया गया। मैंने लिखित में एक पत्र दिया, उसके उत्तर में उन्होंने एक अजीबोगरीब बहाना बनाया कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक महिला और पुरुष ने आत्महत्या का प्रयास किया, जो रेप का मामला है एक एमपी से संबंधित, उसको लेके महिलाओं में वर्ग विशेष में आपके प्रति भारी आक्रोश है, इसीलिए आप गोरखपुर और फैजाबाद नहीं जा सकते। यह एक अजीबोगरीब बहाना है, क्योंकि जाहिर स्पष्ट है कि यदि इस बात को लेके मेरे ऊपर खतरा है तो मुझे सुरक्षा देनी चाहिए थी, मेरे घर पे सुरक्षा लगानी चाहिए थी, न तो घर पे सुरक्षा है न मुझे सुरक्षा दी गई है। और सिर्फ गोरखपुर और अयोध्या में ही क्यों खतरा है और कब तक खतरा है, कहने का मतलब यह है कि सीधे सीधे यह बात दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ जी मेरे इस दौरे से कितना डर गए हैं। और मुझे ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि इतना बड़ा नेता, खुद को बड़ा नेता कहने वाला, कद्दावर नेता कहने वाला मुख्यमंत्री, एक अदने से आदमी से जो अकेला अपनी पत्नी के साथ जा रहा था गोरखपुर, यदि वो इससे इतना भयभीत हो जाते हैं तो यह उनकी वास्तविकता को, वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है। यह न सिर्फ लोकतंत्र की हत्या है, बल्कि योगी आदित्यनाथ जी के असली चाल, चेहरा, चरित्र और उनकी वास्तविक स्थिति को सामने ला रहा है। अमिताभ ठाकुर ने पुलिस द्वारा रोके जाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये चीजें बताती हैं कि योगी आदित्यनाथ मेरे इस दौरे से डर गए हैं। मुझे हास्यास्पद लग रहा है कि खुद को बड़ा नेता कहने वाले मुख्यमंत्री एक अदने आदमी से डर गए। ये लोकतंत्र की हत्या है।